बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीपी जोशी आज पहली बार जोधपुर जिले के लोहावट पहुंचे, जहां जम्बेश्वर नगर में फलोदी विधायक पब्बा राम विष्णुई के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोशी का गर्म जोशी से स्वागत किया। इसी दौरान जोशी ने मीडिया से बातचीत में राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में थोड़ी कमी रह जाने से आज प्रदेश के हालात खराब हैं। राजस्थान की पहचान मीरा पन्ना पद्मावती की धरती के रूप में थी, मातृशक्ति की पूजा होती थी, लेकिन आज रोजाना प्रदेश में महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार हो रहे हैं। किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, कर्ज माफी तो दूर की बात, उनकी गिरदावरी तक नहीं हो रही है। युवाओं के साथ भी धोखा हुआ है। प्रदेश में पहली बार जय श्री राम का नारा लगाने और भगवा पताका फहराने पर भी केस दर्ज होते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। इस मौके पर पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।